अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज हमारे घर में बन रहा है हलीम, तो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके हलीम बना रहे हैं। तो मैंने सोच और इसकी प्रिपरेशन सारी मैं करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए आप किस तरह बनता है देख कर। हम बना रहे हैं 16 किलो भी। ये मैंने लिया है 8 किलो गोश्त लिया है और 7 किलो अनाज लिया है। अनाज में मैं बताती हूँ आपको इसके बाद कि मैंने क्या क्या लिया है अनाज में। और इससे पहले मैंने कुर्मे की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो प्याज और 50 ग्राम गरम मसाला लिया है और 1/2 पाव मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 50 ग्राम ली है हल्दी और 1/2 किलो लिया है दही और नमक है वो हस्ब ज़ायका हम यूज़ करेंगे, तेज़पात है ये, और 1 किलो का हमने घी का पैकेट लिया है और हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी, 1 से 1.5 किलो के करीब घी। अच्छा जी, घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं हमारी प्याज फ्राई हो रही है, अभी ये हाफ फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसे बिल्कुल ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और ये मैंने अब प्लेट पर निकाल ली है और अब हम आगे तैयारी करते हैं इसकी। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने गोश्त जो है बॉईल कर लिया था मैंने अपने गोश्त, तो मैंने इसको थोड़ा सा निकाल लिया है प्लेट में। अब जो है मैं इसको मसाले इसी में डाल के भूनूंगी सारा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त देगची छोटी है और फिर ये सब रेडी करने के बाद हम सारा मसाला बड़ी वाली देगची में डाल देंगे। और जब तक के लिए मैंने थोड़ा गोश्त निकाला है और अब इसी के अंदर मैं मसाले सारे मैंने ले लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून है ये कूट लिया है मैंने ऐसे, और इसको अब हम अपने ऑयल में डालते हैं। डाल चुके हैं और अभी थोड़ा सा इसमें गोश्त डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने हल्का सा भून लिया है। और अब इसमें हम जो है मैंने आपको जितने भी सारे मसाले बताए थे वो सारे मसाले अब मैं इसमें। अच्छा, प्याज को मैंने दही में डाल के इस तरह ग्राइंड कर लिया है। अगर मैं सादा घर में खाने के लिए अगर कोरमा बनाती तो मैं इस तरह ग्राइंड नहीं करती उसको, मैं उससे हाथ से क्रश करती हूँ उसको। और इसमें जो है हमें हलीम में ही मिक्स करना है, तो हमें इस चीज़ का वो करना पड़ेगा कि प्याज को दही में ही में वो करना पड़ेगा ग्राइंड। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं इसको दही को अपने मसाले में ऐड करूँगी। ये देखें, ये दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये देखें बिल्कुल इसका मसाला कैसा हो चुका है, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलर इसका आया है। और बस हमें इसी तरह का चाहिए, बिल्कुल भून चुका है। और अब इस मसाले को हम अपने पूरे गोश्त में ऐड करके और इसे 1/2 से 1 घंटा पकाएंगे। ये देखिए, कोरमा हमने जितना मसाला जो भी हमने बनाया था उसको हमने बड़े पतीले में डाल लिया गोश्त के साथ, और अब मैं इसको कम से कम 1 घंटा और हमारे कोरमे का फाइनल लुक। और इसके बाद हम इसे दालों में मिक्स करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या करना है, किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी दालों को पहले से हमने भिगो के रख दिया था। चने की दाल मैंने 2 किलो ली थी, माश की दाल ली थी 1/2 किलो, 1/2 किलो मूंग की दाल ली थी और 1/2 किलो ही मसूर की दाल ली थी मैंने, और इनको हमने सुबह से भिगो दिया था। और एक तरफ मैंने गेहूँ मैंने लिया था 3 किलो और जौ लिया था मैंने 1 किलो, और इनको भी हमने दालों के साथ ही सुबह से। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टैंड ले लिया है जिस पर देख रखेंगे और आग को हम जला लेते हैं अच्छे से। जल पानी हमारा बॉईल हो गया है और अब उसमें दालें डालेंगे। दालें गलने के बाद इसमें हम घोटा लगाएंगे ठीक से। घोटा लगाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे बाद हम इसमें अब कोरमा ऐड कर रहे हैं, और कोरमा ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 3.5 घंटे तक और मज़ीद घोटा लगाएँगे इसका। हलीम हमारा रेडी है और अब हम इसमें प्याज को और घी का बघार कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह।